দার্জিলিং থেকে ট্রাক ভরে একটি জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে বাধার মুখে পড়লেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট, শুনুন তার বক্তব্য। আমারি আজ জনসভা হয় ওয়াপে আর মে দো ঘন্টে সে সড়ক পে খড়া হুঁ আর বিনয় গুট কে আর অনিত গুট কে 50 লড়কে সুবহ 9 বজে সে দারু পি কে সড়ক মে হাঙ্গামা কর রহে হ্যায়, ড্রামা কর রহে হ্যায়। और मैंने पुलिस को भी इस बात की कली सूचना दी थी कि इस तरह से बदमाशी वो लोग करने वाले हैं। मैं एसपी के साथ हमेशा टच में हूँ, पुलिस फोर्स भी इधर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे जो कांड में जो ड्रामा चल रहा है उसमें जो है पुलिस की भी मिली भगत है। और क्योंकि 50 लड़के दारू पी के बोतल साफ दिख रहा है, आप सबने भी देखा होगा सड़क में बोतल घुमाते हुए दारू पी के ड्रामा कर रहे हैं 2 घंटे से, और जो इलेक्टेड एमपी है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो है नहीं घूम सकता, अपने लोगों से नहीं मिल सकता, तो ये बड़ा आश्चर्य है। ये दीदी का जो है विकास मॉडल है जो हमें आज बंगाल में देखने को मिल रहा है। अभी आप नीचे जाएंगे मिलने के लिए? जरूर जाऊंगा, मैं अपने जनता से क्यों नहीं मिलूंगा, लेकिन हमारे साथ भी जो है 100 कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हैं सब पेशेंशली जो है ना ड्रामा को देख रहे हैं। सबको मैंने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, ये जब तक चिल्लाना चाहे चिल्लाए, लेकिन जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। एसपी साहब कहाँ हैं इतने देर से, और जो है बाकी जो डीएसपी है वो कहाँ है, और बाकी पुलिस वाले वो क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो लोग भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। 2 घंटे हो गए अभी तक, तो क्या 50 लड़के दारू पी के सड़क में हंगामा कर रहे हैं, पकड़ के आपको जेल में ठूस देना चाहिए था। वैसे तो आप फेंक के सबके ऊपर में करते हो, जो सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं रास्ते के अंदर में, आप उनके ऊपर भी कुछ भी नहीं करते, ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रश्न चिन्ह यहाँ की पुलिस प्रशासन के ऊपर में भी उठती है।